इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिजिनस सर्फेस टू एयर मिसाइल्स को। तो ये DRDO के सर्फेस टू एयर मिसाइल्स होंगे, स्पेशली जिनका कॉन्फ़िगरेशन है एक स्क्वाड्रन में या रेजिमेंट में, उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ज्यादातर सैम को लेके। तो सबसे कम रेंज पे बात करते हो तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत का ADS है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कई सारे लेयर्ड में है वेरियस तरह के रेंज पे टारगेट को हिट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे कम रेंज पे शुरुआत करेंगे, जहाँ पे QR सैम फिट होता है, स्पेशली बनाया गया इन्फेंट्री ऑन द मूव को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी जो रेंज है मैक्स 30 किलोमीटर के अराउंड है, जहाँ पे जो इंटरसेप्शन ऑल्टीट्यूड रहेगा मैक्सिमम वो 10 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे इसके वेपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इसके एक रेजिमेंट में जो 12 लॉन्चिंग व्हीकल है वो आपको मिलेंगे, और इन सभी 12 लॉन्चिंग व्हीकल पे 6 जो QRSAM मिसाइल्स हैं वो कैनिस्टराइज यूनिट में माउंट है। एक सेटअप की बात करोगे तो जो एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट यूनिट है, रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल यानी कि RCPV, वो 3 बैटरी को कंट्रोल कर रहा होगा, 3 बैटरी से जुड़ा होगा, और इन 3 बैटरी में से एक बैटरी को लेके बात करोगे तो एक बैटरी के अंदर जो बैटरी सर्वेलेंस रडार है वो रहेगा बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल के साथ, जहाँ पे ये दोनों जो व्हीकल होंगे वो रेडियो लिंक के थ्रू जुड़े रहेंगे। और यहीं पे ये जो दो व्हीकल हैं इनका जो यूनिट है वो जुड़ा रहेगा 4 कॉम्बैट ग्रुप से। तो मतलब एक बैटरी कमांड यूनिट में जो 4 कॉम्बैट ग्रुप यूनिट है वो रहेगी। कॉम्बैट ग्रुप यूनिट की बात करोगे तो इसमें एक BMFR और एक जो लॉन्चिंग यूनिट है वो रहेंगे एक कॉम्बैट ग्रुप में। तो इनिशियली जो आपका BSR है जो कि बैटरी यूनिट में है, वो एक एक्टिव फेज रडार है जिसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर का अराउंड है 2 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। वो किसी टारगेट को पकड़ेगा, जो BCPV है उससे डेटा शेयर करेगा, और जो साइमल्टेनियस डेटा है वो शेयर हो रहा होगा टारगेट को लेके RCPV के साथ। फिर जो IFF यूनिट है वो टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह का टारगेट है। अगर टारगेट हॉस्टाइल हुआ तो यहाँ पे जो टारगेट की लोकेशन है वो कंटिन्यूअस शेयर हो रही होगी एक कॉम्बैट ग्रुप के BMFR के साथ, जो कि एक मल्टी फंक्शन रडार है। मतलब वो टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो लोकेशन है वहाँ पे मिसाइल को भेज भी सकता है गाइड करके। तो जो टारगेट है वो आपको हॉस्टाइल मिला तब जो कमांड है मिसाइल को फायर करने की वो BCPV के थ्रू भेजी जाएगी, और जो सभी MLV नजदीक हुआ यानी कि मिसाइल लॉन्च व्हीकल नजदीक हुआ वहाँ से मिसाइल फायर कर दी जाएगी, और जो BMFR है वो उसको गाइड करके टारगेट को हिट कर पाएगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम रेंज है टारगेट को हिट करने की वो 6 किलोमीटर है, मैक्सिमम 30 किलोमीटर का राउंड है, और ये जो भी कॉम्बैट ग्रुप होंगे ये भी आपस में जुड़े रहेंगे रेडियो लिंक के थ्रू। तो एक बैटरी पोस्ट में जो 4 कॉम्बैट ग्रुप है वो हैं, इन चारों ही कॉम्बैट ग्रुप में एक एक जो लॉन्च व्हीकल है वो रहेगा, और एक एक जो रेडार है मल्टीफंक्शन रेडार वो यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह के जो 3 बैटरी हैं वो एक रेजिमेंट में रहेगी QRSAM के लिए। जो उसके दूसरे फीचर हैं, किस तरह के टारगेट को हिट कर सकता है, उन सबको लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। इसी कैटेगरी में एरिया डिफेंस के लिए जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसको लेके हम बात करेंगे, आकाश वेपन सिस्टम। इसमें जो रेजिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी वास्ट है। तो इसके एक रेजिमेंट यूनिट में 2 जो हेडक्वार्टर यूनिट है वो रहेंगे, और जो एक हेडक्वार्टर यूनिट होगा उसके अंदर 6 व्हीकल होंगे। बेसिकली आर्मी के आकाश का रेजिमेंट है जो कि काफी बड़ा रेजिमेंट है। यहाँ पे 24 के राउंड जो लॉन्चर्स हैं लॉन्चिंग व्हीकल वो रहेंगे, 7 के राउंड जो 3D कार है सेंट्रल एक्वेशन रेडार वो यहाँ पे रहेगा, और 6 के नंबर में जो ट्रूप लेवल रेडार है Rajendra 3 वो यहाँ पे रहेगा। तो इन 6 व्हीकल्स में से जो मुख्य व्हीकल होंगे वो CCC है यानी कि कमांड कंट्रोल सेंटर, 3D कार है यानी कि 3 डायमेंशन सेंट्रल एक्वेशन रेडार जो कि रोहिणी है, जो थर्ड व्हीकल रहेगा वो कमांड पोस्ट का व्हीकल रहेगा, और यहाँ पे जो अगला मुख्य व्हीकल है वो TST है यानी कि टैक्टिकल सैटेलाइट टर्मिनल। तो इनको हमने डिफाइन कर लिया है। जो बाकी के 2 व्हीकल रह गए हैं उसमें एक है CPSV यानी कि सेंट्रल एक्वेशन रेडार के लिए जो पावर सप्लाई व्हीकल है वो रहेगा, और यहाँ पे 3DCAR के लिए जो DCV है मतलब डेटा सेंटर व्हीकल वो चलेगा साथ में। और जो 3DCAR रेडार है वो 2 व्हीकल से मिलकर बना है, पहले व्हीकल पे जो एंटीना है वो माउंट है, और जो सेकंड व्हीकल है वो एक सेंसर व्हीकल है जो कि रडार सेंसर व्हीकल है, यहाँ पे उसको RSV लिखा गया है। सो यहाँ पे ये जो रोहिणी रडार है पर्टिकुलरली इसको बनाया गया है हेडक्वार्टर यूनिट पे तैनात होने के लिए। ये एक सर्च रडार है जिसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से ऊपर की है। एस बैंड में ये ऑपरेट करता है और तकरीबन 150 टारगेट को एक टाइम पे ट्रैक कर सकता है जब ये स्कैन कर रहा होगा, और इसके अंदर जो ECCM फीचर है वो भी दिया गया है। तो इसको पावर करने के लिए स्पेशल पावर यूनिट है वो यहाँ पे है। सो ये तो बात रही एक हेडक्वार्टर यूनिट की, और इस हेडक्वार्टर यूनिट में ये जो व्हीकल्स है ये आपस में जुड़े रहेंगे वेरियस तरह के लिंक से, CCC ये सभी जुड़े रहेंगे। तो जो CPV व्हीकल होगा वो 2 लिंक के थ्रू जुड़ा रहेगा CCC से। जो पहला लिंक है वो LAN है, और जो सेकंड लिंक है वो एक ऑप्टिकल फाइबर है। जो TST यूनिट है यानी कि टैक्टिकल सैटेलाइट टर्मिनल, वो 100 मीटर की दूरी पे होगा, ये एक फाइबर लिंक के थ्रू जुड़ा रहेगा। और जो थर्ड व्हीकल है यानी कि 3DCAR वो भी 2 लिंक से जुड़ा रहेगा, IRLM और जो सेकंड लिंक होगा वो एक ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये तो बात रही हेडक्वार्टर यूनिट की, और यहाँ पे जो हेडक्वार्टर यूनिट है वो 4 ट्रूप लेवल यूनिट से जुड़े रहेंगे, और इनसे जुड़ने के लिए 3 तरह के जो लिंक है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और इनकी जो दूरी होगी CCC से एक ट्रूप लेवल सेंटर की वो 30 किलोमीटर के अराउंड होगी। और यहाँ पर जो लिंक इस्तेमाल किया जाएगा वो फाइबर ऑप्टिक्स लिंक होगा पहला लिंक, जो सेकंड लिंक होगा वो एक रेडियो कॉम होगा, और जो थर्ड लिंक होगा वो एक वॉइस कम्युनिकेशन IP लाइन होगा। सो यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया कि CCC से
जो ट्रूप लेवल का कमांड सेंटर होगा यानी कि TCC वो 30 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और इस तरह के जो 4 ट्रूप ग्रुप हैं वो जुड़े रहेंगे एक हेडक्वार्टर से। अगर यहाँ पे एक ग्रुप की बात करोगे तो उसके अंदर आपको जो 12 व्हीकल है वो दिखेंगे। जो पहला व्हीकल है वो TCC है यानी कि ट्रूप कंट्रोल सेंटर, और ये जो ट्रूप कंट्रोल सेंटर होगा ये इन सभी व्हीकल से जुड़ा होगा जो कि इस ग्रुप के अंदर आएंगे। जो पहला व्हीकल है वो TLR है यानी कि ट्रूप लेवल रेडार, राजेंद्र 3 के नाम से आप इसको जानते हैं। ये भी एक मल्टीफंक्शन रेडार है जहाँ पे जो इसकी रेंज है वो 80 किलोमीटर तक है 2 स्क्वायर मीटर RCS के लिए। यहाँ पे ट्रांसमीटर है वो एक्स बैंड और सी बैंड का दिया गया है। तो जो TCC होगा वो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे होगा TLR से, इस रेडार से। इस रडार के पावर सप्लाई के लिए जो व्हीकल है वो भी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ट्रूप लेवल पे जो अगला व्हीकल है वो CPV है, कमांड पोस्ट व्हीकल रहेगा। और यहाँ पे भी जो 3D रडार है वो रहेगा, उसकी पावर सप्लाई के लिए जो व्हीकल है वो भी आपको दिख रहा है। जो TST यूनिट है, टैक्टिकल सैटेलाइट टर्मिनल, वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो CPSV है वो आपको दिख रहा है, CPSV पार करेगा CAR को, और TPSV वो पार करेगा TLR को। जो 4 लॉन्चिंग व्हीकल है वो भी आपको दिख रहे हैं, जिसको AL से इंडिकेट किया गया है यानी कि आकाश आर्मी लॉन्चर। तो इस तरह के जो 4 लॉन्चर है वो आपको दिख रहे हैं प्रत्येक ग्रुप में। तो जो 12 मिसाइल है एक बार में फायर की जा सकती है एक ग्रुप से। तो इस तरह के जो 4 ग्रुप हैं ट्रूप लेवल पे वो एक हेडक्वार्टर से होंगे, और 2 हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं एक रेजिमेंट में। तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में जो ऑर्डर किया गया है 2 रेजिमेंट आर्मी के लिए, उसमें कितने व्हीकल होंगे और कितने मिसाइल यूनिट होंगे। तो यहाँ पे एक रेजिमेंट में 24 जो लॉन्चर हैं वो रहेंगे, तो तकरीबन 72 मिसाइल हो गए रेडी टू फायर मोड में। तो वो एक रेजिमेंट की बात हुई, अगर 2 रेजिमेंट को मिला दोगे तो 145 के अराउंड जो मिसाइल्स हैं एक बार में रेडी टू फायर रहेगी। ये पे हम बात कर लेते हैं इसके अगले वेरिएंट की यानी कि आकाश NG को लेके। वो भी एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज का सैम है, वेरियस तरह के टारगेट को हिट कर सकता है, चाहे वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो, हॉवरिंग हेलीकॉप्टर हो या फिर UAV हो। सो एक हाईली मोबाइल यूनिट रहेगा, लाइटर यूनिट है, जिसकी जो रेंज है इंटरसेप्शन रेंज अभी तक जो ओपन सोर्स में है वो 3 किलोमीटर से लेके 30 का ही DRDO ने मेंशन किया है, लेकिन कई सारे जो इंडिकेशन है कि जो रेंज है 50 से ऊपर हो सकती है वो भी यहाँ पे इंडिकेशन है। इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो जो एक हब यूनिट है उससे 6 फायरिंग यूनिट जुड़े होंगे। ये जो आपका हब यूनिट होगा वो जुड़ा रहेगा IF के कमांड कंट्रोल सिस्टम से। यहाँ पे एक हब से जो 6 फायरिंग यूनिट जुड़ी हुई हैं उनमें से एक फायरिंग यूनिट की बात करोगे तो जो प्राइमरी 2 व्हीकल हैं वो आपको दिखाई देंगे। एक यहाँ पे हो गया मल्टीफंक्शन रेडार जो कि टारगेट को डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, सर्च करेगा, और वहाँ पे मिसाइल को फायर करने के बाद जो गाइडेंस है वो भी दे पाएगा। इसी फायरिंग यूनिट में जो अगला व्हीकल है वो कमांड कंट्रोल यूनिट है इस फायरिंग यूनिट का, जो कि रेडार से जुड़ा हुआ एक लिंक के थ्रू रेडी कम्युनिकेशन टू डेटा लिंक है ये। और जो ऑप्टिकल फाइबर लिंक है वो भी यहाँ पे दिया गया है दोनों व्हीकल के बीच में। जो दूरी रहेगी वो 500 मीटर के अराउंड रहेगी। और यहाँ पे एक जो फायरिंग यूनिट है वो 4 मिसाइल लॉन्च व्हीकल से जुड़ा हुआ है। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि एक रेजिमेंट में जो 24 मिसाइल लॉन्च व्हीकल हैं वो रहेंगे, और एक लॉन्चर में जो 6 मिसाइल्स हैं वो दी गई हैं। तो जो रेजिमेंट में मिसाइल के नंबर है वो 24x6 हो जाएगा, जो कि तकरीबन 144 के अराउंड ही बैठते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल यूनिट है, मिसाइल लॉन्च व्हीकल यूनिट, ये जुड़े रहेंगे फायरिंग यूनिट के कमांड कंट्रोल यूनिट से रेडियो लिंक के थ्रू। और यहाँ पे जो सभी फायरिंग यूनिट है ये आपस में जुड़े रहेंगे एयरफोर्स के नेटवर्क से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। तो अगर कोई जो हॉस्टाइल टारगेट है वो बढ़ रहा है तो जो नजदीकी फायरिंग यूनिट होगा उसके रडार उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफिकेशन है वो होगा। अगर टारगेट हॉस्टाइल रहा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कन्फर्मेशन है वो हब से भी ली जाएगी। तब जो डायरेक्शन है CCU वो देगा मिसाइल फायर व्हीकल को, और मिसाइल फायर होने के बाद जो MFR है उसको गाइड करेगा टारगेट का। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगा, जो कि प्रीवियस आकाश वेरिएंट के कंपैरिजन में काफ़ी लाइटर है। और जो फायर पावर है वो भी यहाँ पे हायर रेट डिलीवर कर रहा है, क्योंकि एक जो मिसाइल व्हीकल है वो 6 मिसाइल को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे ये थे भारत के इंडिजिनस सैम वेपन सिस्टम यानी कि सर्फेस टू एयर मिसाइल के वेपन कॉन्फ़िगरेशन थे। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज है उस पर हमने फोकस किया था। इसके अगले पार्ट में जो लॉन्ग रेंज है और मीडियम रेंज है उसको हम कवर करेंगे, वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहेगा, उसमें जो S-400 है और जो BMD का पार्ट होगा उसको कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।